योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोर्चन टेक्निशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का हमारे वीडियो का विषय है गैस गीजर की फॉल्ट फाइंडिंग। दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं ये लो प्रेशर जीरो प्रेशर का गैस गीजर है और हमारा टॉपिक है आज का गैस गीजर बंद है फिर भी गैस की बदबू आती है। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे हमारी सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। दोस्तों कई गैस गीजरों में फॉल्ट आ जाता है, चाहे वो लो प्रेशर का हो चाहे वो हाई प्रेशर का हो, लेकिन जो लो प्रेशर के गीजर होते हैं दोस्तों उनमें खासकर ये फॉल्ट आता है कि अगर आपने गैस गीजर को ऑन नहीं किया हुआ तो भी उसमें से हल्की हल्की गैस की स्मेल पूरे मकान में फैल जाती है। यानी कि हमने गैस गीजर को चालू नहीं किया है, हमारा गैस गीजर बंद पड़ा है, मान लीजिए हमारा 7 दिन से गैस गीजर बंद पड़ा है, तो भी जो गैस की जो एलपीजी गैस की जो बदबू है वो सारे मकान में फैल जाती है, सारे घर में फैल जाती है। और दोस्तों ये विषय बदबू फैलने का नहीं है या एलपीजी लीक होने का नहीं है, दोस्तों ये विषय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर गैस हल्की हल्की भी लीक हुई तो सारा दिन में चैम्बर में इतनी गैस इकट्ठी हो जाती है, जैसे ही आप गीजर को ऑन करेंगे उससे एक बहुत बड़ा जोर का धमाका होगा और शायद उससे कोई अनहोनी भी हो जाए। इसलिए दोस्तों ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें इस जो इक्विपमेंट है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें इसकी अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। कई दोस्तों गैस गीजर के कई विषय हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिससे आप इसको लगाने से पहले या लगाने के दौरान या इसको इस्तेमाल करने के दौरान आपको क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में सभी बातें मैंने वीडियो में बताई हुई है दोस्तों। लेकिन विषय है गैस की लीक होना। दोस्तों जो ये प्रयोग हम कर रहे हैं ये आप खुद ना करें, किसी उचित टेक्नीशियन से ही करवाएं। जो दोस्तों ये गैस फाइंडिंग का तरीका है ये एक उचित टेक्नीशियन ही करे तो अच्छा रहेगा, आप इस प्रयोग को ना दोहराएं, मेरी आपसे यही गुजारिश है। और इसमें आपका जो सिलेंडर है गैस का वो थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि एक सुरक्षा दायरा मेंटेन रह सके। दोस्तों प्रयोग आप ना करें, एक उचित टेक्नीशियन से परफेक्ट टेक्नीशियन से ही करवाएं जो इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज प्राप्त कर चुका है या इसके बारे में पूरा जानता है। क्योंकि हमें बहुत माइनर लीकेज ऐसी डिटेक्ट करनी पड़ेगी, DSLI से हम देखेंगे कि कहां पर हमारी लीकेज है और ये बहुत पेशेंस का काम है दोस्तों, इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है। कई बार लीकेज इतनी मामूली इतनी हल्की होती है कि वो इससे भी डिटेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके लीकेज होने के कारण क्या है, हम चलते हैं सीधे कारण पर। आप देखिए दोस्तों मैंने सुना डेली है जो गैस को कंट्रोल करती है इसको मैंने उतार दिया है। इसके चैम्बर में देखिए आप डस्ट जमी हुई है, इसमें कचरा है दोस्तों, वो ऑयल भी हो सकता है, वो किसी कपड़े का तंतु भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। उस वजह से क्या होता है, जो हमारी सोलनाइट ड्रिलिंग होती है उसकी जो रबड़ होती है उस चैम्बर की जो शीट है और रबड़ के बीच में डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। ये रबड़ होती है वो इसके बीच में डिफरेंस आने से क्या होता है कि इसके और चैम्बर के बीच में गैप आ जाता है और जिससे लीकेज निरंतर हल्की हल्की होना शुरू हो जाती है। मैं आपको वीडियो को लास्ट में इसको बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा, ये अभी एक साइट पर है वहीं पर हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। आप देखिए मैं चैम्बर को साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, DSLI से कोशिश कर रहा हूँ, कपड़े से भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये चैम्बर का जो 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 सरफेस है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और हमारी रिले और जो रिले की रबड़ है और चैम्बर का जो सरफेस है उसके बीच में कोई गैप ना रहे। क्योंकि जो दोस्तों जो सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि बगैर चले हुए गैस का लीक होना, सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि सोलनाइट रिले की रबड़ और चैम्बर के बीच में गैप आना। वो गैप किसी भी कारण से आ सकता है, रबड़ समतल ना हो तो भी आ सकता है। हाँ दोस्तों एक कारण और है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रबड़ दोस्तों, ये रबड़ अगर आप किसी तरीके से नहीं बैठी चैम्बर के ऊपर, देखिए दोस्तों ये फैली हुई है एक साइड से, तो आप इसको बदल दीजिए। अगर आपके पास दूसरी रबड़ नहीं है तो इसको पूरी तरह से बिठाकर और कंफर्म कर लीजिए जब आप सोलनाइट रिले को कसें कि वो बिल्कुल तरह से टाइट हो गई है। अगर आपका हल्का सा भी रबड़ ये अपने सीट से हट जाता है तो भी गैस लीकेज की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है। और अगर आपका जो ये दो नट हैं, जो स्क्रू हैं जो रिले को लगाते हैं, अगर ये भी आपके कम या ज़्यादा टाइट हुए तो भी आपके लीकेज की संभावना यहाँ से बढ़ जाएंगी। ये जो दो तीन कारण दोस्तों ये मुख्य मेन कारण है, इसलिए आपको ये कार्य बड़े पेशेंस से करना होगा। और ये सब कार्य करने के बाद दोस्तों आपको लीकेज को फिर से चेक करना होता है। कोई भी आप कार्य करवाएं गैस गीजर में तो आपको इस प्रोसेस के द्वारा लीकेज को चेक करने की कोशिश किया कीजिए। हमने रिले को सही से बैठा दिया दोस्तों, रिले नहीं लगा दी है हमने, क्योंकि जो उसका रबड़ था वो समतल नहीं था, वो थोड़ा घिस चुका था। और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि जो इसकी रबड़ होती है, ये जो इसका स्प्रिंग होता है, ये कैसे किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके बारे में मैं आपको सारा डिटेल से आगे बताऊंगा। मेरी कोशिश यही है कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे सकूं इसके बारे में। देखिए दोस्तों लीकेज नहीं है, हमने डिटेक्ट कर लिया है, अब हम गीजर को ऑन करके देखेंगे और फिर जब हम पूरा कन्फर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे दोस्तों, तो ही हम गीजर को
पैक करेंगे यानी कि उसको फाइनल बंद कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अब गीजर खुला हुआ है इसलिए इसमें गैस इतनी इकट्ठा नहीं हो पाएगी, लेकिन जब हम गीजर को बंद कर देंगे, इसके कवर को ढक देंगे, तो इसमें से गैस बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये माइनर जो लीकेज होती है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन ये कन्फर्म है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिले की जो रबड़ है और चैम्बर है इसको ध्यान से दिखवाइए, किसी टेक्नीशियन से दिखवाइए, उसको बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सही कर देगा। देखिए दोस्तों लीकेज नहीं है, बिल्कुल ओके है, अब हम इसे फाइनल करके इसको बिल्कुल फाइनल कर देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि देखिए ये हमारा गैस गीजर यहाँ से इनलेट चलती है, इसके ऊपर दोस्तों ये रिले होती है जो रिले गैस को कंट्रोल करती है, फिर ये वाल्व होता है, फिर ये जोड़ होते हैं दोस्तों, ये पूरा एक हिस्सा गैस असेंबली कहते हैं इसको हम दोस्तों, इसी में से गैस जाती है आती है। यहाँ इनके बीच में भी रबड़ होती है, अगर वो रबड़ भी कट जाती है तो लीकेज की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये चांस बहुत कम होते हैं, और ये तभी होता है जब गैस गीजर चलता है, तभी आपको स्मेल आएगी। बगैर गैस गीजर चले स्मेल आने का कारण यहीं से दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो ये रबड़ है और ये रिले है और जो ये चैम्बर है और इसकी ये सील है, ये पूरा एरिया बगैर गैस गीजर चले स्मेल आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। मैं आपको बताऊँगा कि हमारी रबड़ किस हिसाब की होनी चाहिए, हमारा स्प्रिंग है उसका क्या रोल है, और दोस्तों जो ये ओ रिंग देख रहे हो आप, ये आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये कटी फटी या दबी हुई नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल समतल होनी चाहिए। और जो हमारा दोस्तों ये चैम्बर का मुहाना है, यहीं पर वो रबड़ जाकर इसके ऊपर टिकती है और यही गैस को रोकती है, और जैसे ही हम गीजर ऑन करते हैं वो ऊपर उड़ जाती है रबड़ रेले के दबाव से, और हमारी गैस आगे सप्लाई चली जाती है। यही काम होता है इसका, सोलेनॉइड रिले का मेनली यही कार्य होता है। अगर हमारी रिले की रबड़ सही तरीके से नहीं बैठी चैम्बर के ऊपर तो ये गैस लीकेज होने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है। स्प्रिंग के लूज होने से, इसकी टाइटनेस कम होने से पूरा दबाव शीट पर नहीं पड़ पाता, इससे भी गैस लीकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आपका स्प्रिंग आपको कमज़ोर लग रहा है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं या आप रिले को बदल सकते हैं। अगर रबड़ आपकी समतल नहीं है, कटी फटी है, ऊंची नीची है, तो आप रबड़ बदल सकते हैं दोस्तों, नहीं तो पूरी रिले बदल सकते हैं। मैं आपको रबड़ को खोल के दिखाने जा रहा हूँ ताकि आप इस रबड़ को अच्छी तरह से देख सकें। ये रबड़ निकल जाती है, अगर आप रिले में से खींच कर इस रबड़ को निकालेंगे तो ये रबड़ इस खांचे में से निकल जाती है और स्प्रिंग भी निकल जाता है। अगर आपको स्प्रिंग की टाइटनेस बढ़ानी है तो भी आपको हिसाब से ही बढ़ानी पड़ेगी, आप खुद नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर स्प्रिंग का दबाव ज़्यादा हो गया तो दोस्तों आपकी रिले ऊपर नहीं उठ पाएगी और आपका गीजर नहीं चल पाएगा। इसलिए स्प्रिंग को भी बिल्कुल देख कर ही घटाना या बढ़ाना पड़ता है। और देखिए दोस्तों ये रबड़ मैं आपको चैम्बर के ऊपर फिट करके दिखा रहा हूँ कि ये रबड़ कैसे इसके ऊपर फिट बैठती है। ये दोस्तों ये रबड़ ऐसे फिट बैठ जाती है और इस मुहाने को बंद कर देती है जिससे गैस की सप्लाई आती है और जाती है। इसलिए इस रबड़ का पूरा रोल होता है। अगर ये रबड़ कट गई है, फट गई है या समतल नहीं है तो आपकी गैस लीकेज की संभावनाएं बगैर गैस के चले बढ़ जाती हैं। और अगर स्प्रिंग का दबाव कम हो गया है तो भी आपकी हल्की हल्की गैस लीक होती रहती है। अगर इसके बीच में कोई अवरोध उत्पन्न हो गया है, कोई डस्ट आ गई है, कोई कपड़े का तंतु आ गया है, तो भी आपकी गैस लीकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों ये सभी कारण होते हैं एक गैस गीजर में लीकेज की संभावनाएं बढ़ाने के, बगैर गैस गीजर चले हुए। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। अगर आपको स्प्रिंग को टाइट, इसकी टेंशन बढ़ानी है तो आप ना बढ़ाएं, टेक्नीशियन को ही कहें, क्योंकि इसका अगर अनुचित दबाव इसका बढ़ गया तो आपका जो रिले है वो ओपन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। और दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरी तरह से इनके बारे में बता सकूँ ताकि आप इसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकें। मैं आपको आगे गीजर के सभी स्पेयर पार्टों के बारे में बताऊंगा ताकि आप उसके स्पेयर पार्ट के बारे में जान सकें। धन्यवाद दोस्तों।